एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय यहां पर श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं। रावण, कुंभकर्ण, जरासंध, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, इन सब ने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया, एक बार नहीं अनेक बार किया। ठीक है, क्या उनके हृदय में आनंद हुआ? क्या वो कृष्ण को समझ पाए? सिर्फ दर्शन करना मात्र ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, भगवान के दर्शन करना है। भगवान के दर्शन इन आंखों से नहीं होते, दृष्टि से होते हैं। आंख वही रहती है, दृष्टि बदल जाती है। जिस प्रकार से 10 बच्चे हैं परंतु आपको अपना बच्चा प्रिय दिखता है, सुंदर दिखता है, आपको उसके ऊपर स्नेह उमड़ता है, राइट? ये स्वाभाविक है, क्योंकि आप उसको सेवा करते हो, आप उसकी सेवा करते हो, इसलिए आपके नजरों में वो प्रिय है। समझे? तो दृष्टि बदलती है, सोच बदलती है जब स्नेह होता है। तो भगवान से पहले यह स्नेह या प्रेम जागृत करने की आवश्यकता है, तब भगवान दिखलाई देंगे, नहीं तो शत्रु दिखाई देगा, मृत्यु दिखाई देगी। उन्हीं नरसिंह भगवान का दर्शन करके कंस के हृदय में भय उत्पन्न हो रहा था। भगवान है, भगवान का दर्शन करके भयभीत हो रहा है, क्या आनंद हो रहा है? तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया, भगवान के दर्शन करने का प्रयास मत करो। जब तक भगवान के लिए हृदय में प्रेम नहीं है, दर्शन करके भी कोई लाभ नहीं होना है। तीर्थ यात्रा जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो वास्तविक रूप से वो आपका पिकनिक मनाना है। पहले भगवान की सेवा कीजिए, अनवरत सेवा कीजिए, ऐसी सेवा कीजिए कि सेवा के बिना आप रह न सको, सेवा के बिना आप रह न सको। जब उस प्रकार की सेवा हम करने लगेंगे, तब भगवान के धीरे धीरे दर्शन होने लगेंगे, तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते। तो ये दृष्टि बदलती है सेवा के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा। और जब तक हम, अब प्रश्न ये उठता है कि सेवा की इच्छा कैसे जागृत हो? हमारी तो इच्छा ही नहीं है सेवा करने की, हम तो आना चाहते हैं, ठीक है, हमने थोड़ा प्रवचन सुन लिया, थोड़ा ये कर लिया, महाप्रसादे गोविंदे, फिर आराम करना है। और सेवा की क्या जरूरत है? प्रभु आपको थोड़ा डोनेशन देते हैं ना, चार भक्तों को रख लो, कर देंगे, झाड़ू भी लगा देंगे, पोछा भी लगा देंगे, सब्जी सुधारने वाले तो कितने भी मिलते हैं, मेरी क्या जरूरत है? आपकी जरूरत इसलिए है कि सेवा आपके हाथ से करवानी है, आपके हाथ से होगी तो आपका जीवन पवित्र होगा। एक कहावत है, मेरे मरने से आपको स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। क्या ये संभव है? नहीं तो आप बस वही पंडित जी को रुपए दे दे रहे हो, पंडित जी आप मर जाओ, मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। क्या ये संभव है? नहीं। तो इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने हमको सेवाएं दी, ये प्रयोजन है। हालांकि हमारा मन नहीं है, हमारा मन नहीं है सेवा करने का, परंतु हमको सेवा में नियोजित किया जाता है। जिस प्रकार से बच्चा दवाई खाना नहीं चाहता, क्या बच्चा दवाई खाना चाहता है? नहीं। माँ उसको जबरदस्ती खिलाती है, कभी कभी पिटाई करके भी खिलाती है, क्योंकि भलाई उसी में है। तो उसी प्रकार से आपको सेवा करने की इच्छा नहीं है, आपको गुस्सा भी आता है, मन में क्रोध आता है, ग्लानि भी होती है, परंतु सत्य यह है कि जब तक आप सेवा नहीं करोगे, भगवान को समझ नहीं सकते हैं, दृष्टि नहीं बदलेगी,
और जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी भगवान का दर्शन संभव नहीं है। तो आपकी भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए हमें सेवा का अवसर प्रदान किया जाता है, और ये सेवा का इच्छा कैसे जागृत होगी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारी इच्छा जागती ही नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, जब हम प्रमाणिक स्रोत से सुनेंगे, when we will hear from the bona fide source, प्रमाणिक स्रोत से जब सुनेंगे तब हमारे हृदय में सेवा करने की प्रेरणा जागेगी। हम जब तक प्रोफेशनल लोगों से सुनते रहेंगे जिनका व्यवसाय है बोलना, जिस प्रकार से लोग सॉफ्टवेयर का प्रोफेशन करते हैं, फिल्मों के अंदर डायलॉग बोलने का प्रोफेशन करते हैं, कुछ लोग भागवतम का भी प्रोफेशन करते हैं, व्यवसाय है, अच्छा बोलेंगे फिर पैसा मिलेगा। आजकल सबसे अच्छा व्यवसाय यही है, भगवान के ऊपर प्रवचन करो, लीला सुनाओ, नानी बाई को मायरो, पैसे की बरसात हो। ये क्या प्रभु जी आप ये लेकर के बैठो एक एक प्रवचन। तो इस प्रकार के कॉमर्शियल लोगों से आप सुनते रहोगे तो एक जन्म नहीं अनेक जन्म चले जाने दो। कितने अनेक जन्म जाने पर भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, भक्ति हृदय में प्रस्फुटित नहीं होगी। बहु जन्म करि श्रवण कीर्तन तबो न पाई कृष्ण पदे प्रेम धन। बहु जन्म करि, क्योंकि आप गलत सोर्स से सुन रहे हो। तो भगवान के अनन्य भक्त के मुखारविंद से सुनना चाहिए, जिनका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि प्रमाणिक स्रोत से सुनना, फ्रॉम द ऑथराइज्ड सोर्स। हु इज ऑथराइज्ड, कौन प्रमाणिक है? जो गुरु परंपरा में आया है और जो अपने जीवन में इसका अनुशीलन करता है। वन हु इज कमिंग इन द परंपरा एंड वन हु इज प्रैक्टिसिंग। इफ इज नॉट प्रैक्टिसिंग व्हाट ही इज प्रीचिंग देन द वर्ड्स विल नॉट हैव द पावर। इस कारण से क्या होता है, कई दिनों तक सुनने के बाद भी हमारा कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये श्रवण की विधि अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो 9 विधियां बताई गई उसमें सबसे पहली है श्रवण। सब कुछ निर्भर करता है श्रवण, श्रवण, श्रवण। किस प्रकार से, कहां से आप सुनते हो? बहुत सारे लोग हैं श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं जो बहुत सुंदर व्याख्यान देंगे, अत्यंत प्रभावशाली प्रवचन करेंगे, बहुत अच्छा संस्कृत भाषा के अंदर श्लोक कह सकते हैं, उच्चारण करते हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं वृतांत सुनाएंगे, परंतु स्वयं भक्ति के सिद्धांतों में स्थिर नहीं है। भगवान के नाम जप में, भगवान की सेवा में, भगवत भक्ति में, भगवान के प्रचार में स्थिर नहीं है। ऐसे लोगों से सुनने पर आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। यही कारण है प्रवचनों के अंदर सुनने वाले लोगों की संख्या इतनी बढ़ रही है, परंतु हम देखते हैं उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। नो चेंज इन द लाइफ। तो ये जो पाखंड है ये बढ़ते जा रहा है, इसका मूल कारण है प्रमाणिक स्रोत से नहीं सुन रहे। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के प्रवचनों को सुन के, उनकी पुस्तकों को पढ़ के आज भी लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है। यह प्रमाणिक स्रोत से सुनने का प्रभाव।
सेवा करने की इच्छा आपके हृदय में जागेगी। यू विल डेवलप द डिजायर फॉर सर्विस एंड अंटिल एंड अनलेस यू डेवलप द डिजायर फॉर सर्विस द विजन विल नॉट चेंज। नेत्रों की दृष्टि बदलेगी नहीं, और जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी भगवान का दर्शन नहीं होगा। समझ गए? ये सारी चीजें लिंक है, ये सारी चीजों का क्रम है, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक यह क्रम है। इसलिए इस क्रम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा जिनका प्रयोजन है सिर्फ कथा करके अपने जीविका को पालना, उपार्जन करना, धनोपार्जन करना, ऐसे लोगों को आपके जीवन बदलने से कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए वो आपको कोई ऐसी प्रेरणा नहीं देंगे और आपको ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो आपको सुनने में बुरी लगती हो, क्योंकि हम वही सुनना चाहते हैं जो हमारी इच्छा है। ठीक है, हम उस चीज को सुनना नहीं चाहते जो हमारी इच्छा नहीं है। पर जो प्रमाणिक गुरु है वो आपकी इच्छा के अनुरूप बोलने वाला नहीं है। मेरे को वही दवाई दो जो मेरे को चाहिए, जो मेरे को इच्छा है। आप डॉक्टर के पास जाके इस प्रकार की डिमांड नहीं कर सकते, नहीं? जो आपके लिए श्रेष्ठ है वो दवा आपको दी जाएगी। और श्रेष्ठ यही है कि भगवान की सेवा के लिए प्रोत्साहित किया जाए, नियोजित किया जाए। जब तक भगवान की सेवा हम अपने हाथों से नहीं करेंगे, तब तक हमारी दृष्टि में, हमारे दृष्टिकोण में बदलाव संभव नहीं है। प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना, यही सारे शास्त्रों का सार है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में कि वास्तविक रूप से सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे पुराण, इन सब को पढ़ने का, समझने का उद्देश्य क्या है? What is the purpose to study all the scriptures? What is the purpose? First we should know the purpose. जैसे आप एजुकेशन के लिए जाते हो, आपका पर्पज अच्छा जॉब लेना, right? The purpose is a job and you are going for education, right? So what is the purpose? यहां पर भी purpose मालूम होना चाहिए। What is my purpose of studying the scriptures? तो भगवान ने बताया भगवत गीता में, वेदेषु सर्वम् अहमो वेद्या, सारे वेदों के द्वारा, सारे पुराण के द्वारा, सारे उपनिषदों के द्वारा, सारे शास्त्रों के द्वारा भगवान को जानना ही एकमात्र उद्देश्य है। पंडित बनना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है भगवान को जानना। हम अभी भगवान को ही नहीं जानते हैं। भगवान कौन है, क्यों वो भगवान है, उनके क्या गुण है, मैं कौन हूं, मेरा क्या संबंध है, इन सारे सत्यों को सारे शास्त्र हमसे अवगत कराते हैं। दिस इज द पर्पज ऑफ स्क्रिप्चर। और यदि हम निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा करना प्रारंभ करें तो ये सारे जो सत्य है हमको हृदय में स्वतः प्रकाशित होने लगेंगे। विल ऑटोमेटिकली विल बी रिवील्ड इन द हार्ट व्हेन वी आर सर्विंग विथ लव एंड डिवोशन। जब तक हम इसके अनुरूप सेवा करना प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक भगवान का प्रकाश हमारे हृदय में नहीं होगा। शास्त्र हमको प्रकाशित नहीं होंगे। भगवान का व्यवहार दिव्य है और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय यहां पर श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान की गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं और भगवान की पांडवों के साथ जो लीलाएं हैं दोनों समान हैं।
आप मूर्खतापूर्ण ऐसा प्रयास मत करो कि मेरे को सिर्फ भगवान की गोपियों के साथ लीलाएं सुननी है। पहले हृदय का, इंद्रियों का शुद्धिकरण करो, क्योंकि गोपियों का नाम लेते ही आपके मन में एक पुरुष और एक स्त्री आता है। आप गोपियों की और कृष्ण की लीला नहीं सुन रहे हो, आप एक पुरुष और स्त्री का वार्तालाप और उनका प्रणय संबंध देख रहे हो। हृदय में काम वासनाएं हैं, इसलिए ये जो विषय है शुद्ध हृदय व्यक्तियों के लिए है, जिनका हृदय पूरी तरह से निर्मल हो चुका है, जिनके हृदय में काम वासना लेस मात्र भी नहीं है। यहां पर काम वासनाएं कूट कूट के भरी हुई है और वो ऐसे लोग भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने का प्रयास करते हैं, क्या लाभ होगा? इस कारण से उनके हृदय में वो आनंद, वो लाभ दिखता नहीं है। इसलिए आवश्यकता है कि पहले हम अपने जीवन को पवित्र करें, प्यूरिफाई आवर सेल्फ। इसलिए भगवान ने ये क्रम दिया है, ये पहले 9 अध्याय दिए हैं। इन 9 अध्याय का सूक्ष्म रूप से विवेचन और अध्ययन करना चाहिए, जिसको करते हुए निश्चित रूप से एक शिष्य का हृदय शुद्ध हो जाएगा और तब वो इसके योग्य बनते हैं कि वो 10वें स्कंध का श्रवण कर सके, भगवान की दिव्यता को जान सके, तभी ये सार्थक होगा। अतः आज का जो मुख्य विषय है, प्रमाणिक स्रोत्र के द्वारा सुनना, इस प्रकार के श्रवण करने से हमारे हृदय में सेवा करने की इच्छा जागृत होगी और सेवा करने से हमारी दृष्टि में परिवर्तन आएगा, और जब दृष्टि में परिवर्तन आएगा तब हम भगवान का अनुभव कर पाएंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है। ऐसा कुंती महारानी ने प्रार्थना की श्लोक में। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय।